हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं टेकी सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो और वीवो की। ओप्पो और वीवो इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फोन ब्रांड्स में से एक हैं, क्योंकि इन लोगों की जो टेक्निक है सबसे अलग है। लेकिन क्या ये टेक्निक हम लोगों के लिए सही है? जिस तरीके से ये लोग फोन मार्केट करते हैं, क्या ये सही तरीका है? क्या इनके फोन सही हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये हमें बुद्धू बना रहे हैं या फिर ये हमारे फायदे के लिए हैं? तो इस वीडियो को देखते जाइए और इस सारे सवालों का जवाब मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को मिल जाएगा। उससे पहले आप नीचे दिए हुआ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि उससे मिलेगी आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि उससे दोनों की तरक्की होगी, है ना। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए शुरुआत से करते हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक जाइंट है चाइना में, उसी के अंडर आती है ओप्पो और वीवो। ओप्पो के बारे में बात करते हैं। ओप्पो शुरुआत में जब आया था तो उसका प्लान कुछ और था। उसने बहुत ही अच्छा इनोवेटिव आइडिया वाला फोन लॉन्च किया था, जिसका फ्रंट बैक कैमरा रोटेट करता था, बहुत मजा आता था। मुझे भी वो लगा था कि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया और ओप्पो एक बहुत ही बड़ा कंपनी इवॉल्व करेगा, जो वो किया लेकिन कुछ और तरीके से किया। क्योंकि वो फ़ोन लॉन्च करने के बाद उसको बहुत बड़ी लॉस फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की रिस्पॉन्स उस फोन पे कुछ खास थी नहीं। तो उसने अपनी पूरी की पूरी प्लान चेंज कर दी और वो मार्केटिंग पे आ गया। इसी तरह वीवो भी फ़ोन लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका कुछ खास हिस्ट्री इतना ऐसा कुछ है नहीं। उसने शुरुआत से ही मार्केटिंग पे ही फोकस की। लेकिन ओप्पो के दो एम्प्लॉय पीटी लॉ और कार्ल पी, शायद नाम मैंने प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया, जो भी, उन लोगों को ये बात अच्छे से पची नहीं, क्योंकि उन लोगों का एम था क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की मार्केट में। तो उन लोगों ने ओप्पो से मुंह मोड़ा और एक दूसरा कंपनी खोल लिया, वन प्लस। जी हाँ, वन प्लस आज भी ओप्पो के अंडर ही आता है, लेकिन उन लोगों का कुछ खास लेना देना नहीं रहता है। यहाँ से बटा ओप्पो और वन प्लस। तो वन प्लस ने फोकस किया एक अच्छी ब्रांड बनाने की, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाने की, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाने की, और आज वो कुछ हद तक इस बात में सक्सेसफुल भी है। चलिए वन प्लस का किसी और दिन बात करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं ओप्पो और वीवो की। तो ओप्पो और वीवो का मेन प्लान था कि वो ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे और ऑफलाइन सेल पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बहुत अच्छा खासा चांस है कि उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है। और अगर जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है उन लोगों को पता चल जाएगा कि ओप्पो और वीवो तो कुछ खास है नहीं, तो उन लोगों ने टारगेट किया ऑफलाइन कस्टमर्स को। तो आज भी इंडिया में बहुत ही मेजर पार्ट मोबाइल फोन्स का ऑफलाइन ही बिकता है ऑनलाइन के मुकाबले। तो ऑफलाइन में उन लोगों ने किया क्या? मार्केटिंग। अगर आप घर के बाहर निकल जाएं, ओप्पो वीवो हर जगह, एक तो जोक है ना वो, अगर आप चलते चलते एक जगह पे पहुंच जाए जहां आपको 10-20 मीटर तक आपको ओप्पो वीवो का एड नहीं आया, तो शायद चांसेस है कि आप बॉर्डर पार कर चुके हैं। एक स्टेटिक्स दिखाना चाहता हूं आपको, जिसमें ओप्पो और वीवो प्लान कर रहे हैं 2,200 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने का सैमसंग को टेक ओवर करने के लिए। सीरियसली 2,200 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में ये लोग करते क्या है? सेलिब्रिटीज को लेते हैं। वैसे इंडिया में सेलिब्रिटी का मतलब ही फिल्म स्टार से होता है, क्योंकि हम लोगों को बाकी कुछ दिखता नहीं है। हम लोगों को ये नहीं पता कि फ्लिपकार्ट किसने बनाया, अमेजोन किसने बनाया, माइक्रोमैक्स किसने बनाया। ये लोग सेलिब्रिटी नहीं है, फिल्म स्टार सेलिब्रिटी है। पता है ना शाहरुख खान की अगली फिल्म का नसी आने वाली है? जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये पता जरूर होगा कि मैं एडवर्टाइजिंग और मीडिया ग्रुप से थोड़ा बिलोंग करता हूँ। मैं फोटोग्राफी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ये पिक्चर है पटना वन मॉल का। इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट पर मंथ 5 लाख रुपीज है। सोचिए पूरे इंडिया में कितने एड्स हैं उसकी। इसके बाद में आते हैं वो ऑफलाइन रिटेलर्स। तो ओप्पो वीवो क्या करते हैं कि ऑफलाइन रिटेलर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें क्या बताना है कस्टमर्स को, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है उसके बारे में। और हाँ, उनके दुकान में जो होर्डिंग्स और बैनर टके रहते हैं ना, छोटे छोटे पोस्टर वोस्टर, वो पोस्टर टांगने के उनको मंथली पैसे मिलते हैं। कौन कंपनी देगा ऐसा, ठीक है? और अगर आप कमीशन की बात करें तो उनको 15 से 20% की कमीशन मिलती है अगर वो एक फोन बेचे और अगर वो टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, लाइक
जस्ट इमेजिन, अगर 200 फोन का टारगेट है, 500 फोन का टारगेट है, तो उनको हॉलीडे पैकेजेस और बहुत सारे गिफ्ट्स, ये सारा चीज मिलता है। वही अगर कंपेयर करा जाए दूसरे फोन से, तो 1% से 5% तक की कमीशन मिलती है, तो क्या फायदा है, वो ओप्पो बेचेंगे ना यार। इसीलिए जब आप एक ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, तो वो सेल्स पर्सन आपको सबसे पहले ओप्पो का फोन दिखाता है, उसके बाद वीवो का दिखाता है और आपका ब्रेन वॉश करने का कोशिश करता है। अगर आप कहें भी कि आपको रेडमी का फोन पसंद है या फिर वन प्लस का फोन पसंद है, वो लोग कहेंगे कि नहीं, वो सब बेकार फोन है, मैं प्रोफेशनल हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, और आपको किसी न किसी तरीके से वो लोग लुभा लेंगे, बताएंगे कि इसका फोन का प्रोसेसर बेटर है, इसका बैटरी लाइफ बेटर है, इसका कैमरा, ये कैमरा फोन ही है, इसका कैमरा एकदम बेस्ट इन द बेस्ट है, और इसकी आफ्टर सेल सर्विस बाकी सब कंपनी से सबसे अच्छी है, घर से आके लेके जाएंगे फोन, सब सब यूजलेस सारी बातें आपको ब्रेन वॉश करने के लिए बताएंगे, क्योंकि इनको फोन बेचना बहुत जरूरी है। फाइनली आपको ये कन्विंस कर लेंगे और आप इनका फोन खरीद लेंगे। तो ओप्पो और वीवो के फोन एक्चुअली होते कैसे हैं? अभी तक तो मैंने उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स और ऑफलाइन सेल्स और ये सारी चीज कहानी वहानी बताई, अब फोकस करते हैं फोन पे। तो इस बार मैं आपके सामने कुछ रियल फैक्ट्स रखने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा एक पर्टिकुलर सेगमेंट के फोन को टारगेट करने की। टेक फॉर एग्जांपल, हम लोग बजट फोन की सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। तो बजट फोन का एक्चुअली रेंज आता कहाँ से है? वही 10,000 से 15,000 के बीच के फोन को बजट फोन कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग कंपेरिजन के लिए एक ओप्पो का फोन लेंगे और एक रेडमी का फोन लेंगे। ओप्पो का A57 एक बजट फोन है जिसका प्राइस 15,000 रुपीज है, और रेडमी नोट 4 भी एक बजट फोन है जिसका प्राइस 13,000 रुपीज है। तो अब दोनों का स्पेसिफिकेशन पे आप गौर फरमाइए। पहला स्पेसिफिकेशन, शुरुआत करते हैं इसकी प्रोसेसर से। तो रेडमी नोट 4 में जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625, जिसका क्लॉक स्पीड है 2 GHz, ठीक है, 2 GHz। ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो उन लोगों ने बताया नहीं है वहां पे अच्छे से, ठीक है? उसको अगर हम लोग गूगल सर्च करें तो हम लोग को पता चलता है कि वो स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली वो 625 से तो खराब ही होगा, अच्छा तो हो नहीं सकता, और उसका क्लॉक स्पीड भी रिडमी से कम है। सेकेंड बात आती है रैम की। तो रिडमी यहाँ पे 4 GB का DDR3 रैम ऑफर कर रहा है, वहीं पे ओप्पो हमको पे बस 3 GB का रैम ऑफर कर रहा है। अब आते हैं इंटरनल स्टोरेज पे। रेडमी हमें 64 GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पे ओप्पो हमें बस 32 GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। अब बात आती है बैटरी की। रेडमी का बैटरी कैपेसिटी है 4100 mAh, वहीं पे ओप्पो ऑफर कर रहा है बस 2900 mAh। बहुत बड़ा गैप है ये, जिससे बैटरी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम लोग गेमिंग की बात करें, रेडमी हमें ऑफर कर रहा है एड्रिनो का 506 और ओप्पो ऑफर कर रहा है 505, वहां भी कमी है। हम लोग ओप्पो के लिए ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं और कम फीचर्स पा रहे हैं, वहीं रेडमी के लिए कम पैसा पे करके बहुत ज्यादा फीचर पा रहे हैं। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो अगर ओप्पो का प्राइस यहाँ 15,000 पड़ रहा है, तो अगर ओप्पो रेडमी वाला फोन लॉन्च करता तो उसका प्राइस करीब 20,000 के आसपास होता। Choice is yours. आपके भी तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या फिर आप खुद जो ओप्पो और वीवो के फोन इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोगों तक रियलिटी पहुंचे और अगली बार वो भी एक सही डिसीजन ले पाए। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो मेरी इस वीडियो पर लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और टेक्निकल अपडेट्स के लिए। दिस इज आदित्य, आई एम साइनिंग ऑफ।